राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के किनारे बसे गांव व कॉलोनियों में आए दिन मगरमच्छ निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तो शहर की सड़कों पर भी मगरमच्छ दिखाई देने लगे हैं। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने रविवार को 12 घंटे भीतर दो मगरमच्छों को रेस्क्यू कर रायपुर स्थित देवली नर्सरी में शिफ्ट किया। वनकर्मी विजेंद्र ने बताया कि रविवार तड़के नयापुरा स्थित किशोर सागर तालाब किनारे 10 फीट लंबा व 150 किलो वजनी मगरमच्छ सड़क पर आ गया। सूचना पर तड़के 3:30 बजे वनकर्मी धर्मेंद्र रमेश के साथ मौके पर पहुंचे। 3 होमगार्ड के जवानों को भी बुलाया, वहीं मगरमच्छ भागते हुए पानी की तरफ चला गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद भारी भरकम मगरमच्छ को पकड़ा गया। 6 जनों ने उठाकर उसे गाड़ी में रखा। विजेंद्र ने बताया कि शाम 4 बजे करीब नया नोहरा स्थित एक कोचिंग संस्थान के पास 4 फीट लंबे मगरमच्छ के होने की सूचना मिली। मौके पर जाकर देखा तो वहां बनी क्वार्टरों के पास एक मगरमच्छ छिपा हुआ था।